हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जिसके अंदर हमने ऑटोगेमी, हेटेरोगेमी, फिर ज़ेनोगेमी और सारी कुछ हमने उसके बारे में देखा। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आप देख सकते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट, वन इज एबायोटिक एंड वन इज बायोटिक। तो एबायोटिक बट ऑब्वियस है नॉन लिविंग, तो कौन सा हो सकता है, विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। फिर बायोटिक के अंदर काफ़ी सारे एनिमल आएंगे और भी हम देखने जा रहे हैं। तो बायोटिक के अंदर दीज आर दी वेरियस टाइप्स और भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एबायोटिक पॉलिनेशन देखते हैं। तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखिए, जैसे प्लांट जो है वो एबायोटिक और बायोटिक एजेंट दोनों यूज़ करता है पॉलिनेशन के लिए। तो मेजोरिटी और कौन सा एजेंट यूज़ करते हैं प्लांट जो है वो, बायोटिक एजेंट, राइट। सो ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट। पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद दी स्टिग्मा चांस इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। सो दोनों से हो सकता है विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, लेकिन बहुत रेयरली होता है, बहुत कम प्लांट के अंदर होता है। और बर्ड ऑब्वियस है इन सेम केस इन एनिमल, यहाँ प्लांट में भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि वो जो काफ़ी सारी पोलन ग्रेन है प्लांट उसको प्रोड्यूस करेगा कंपेयर टू दी ओव्यूल एंड यू नो एग सेल। क्यों? क्योंकि वहां पर लॉस होने के चांसेस काफी है। चलिए देखते हैं एबायोटिक एजेंट। तो एबायोटिक एजेंट माने जिसके अंदर हम पहला टाइप देखते हैं विंड पॉलिनेशन, उसको हम एनिमोफिली भी कहते हैं। अभी विंड पॉलिनेशन के लिए देखो कि पोलन ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। सो इट वुड बी अ यू नो लाइट एंड नॉन स्टिकी। अभी लाइट क्यों? क्योंकि अगर वजन के अंदर वो कम होगी तभी जाकर के वो जो है वो विंड के अंदर आसानी से वो मूव हो सकती है। और नॉन स्टिकी, कहीं पर चिपकनी नहीं चाहिए इसलिए वो नॉन स्टिकी है। और दूसरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक लाइक दे ऑफ्टन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्टेमेन है वो वेल एक्सपोज्ड हो गए ताकि विंड करंट जब यहाँ से आ रहे हैं तो अच्छे से उसमें से जो पोलन ग्रेन है वो शेड हो सके। और खास करके वो जो है स्टिग्मा उसकी बिल्कुल फेदरी होती है ताकि यू नो पोलन ग्रेन जो आ रही है वहां से तो उसको अच्छे से उसके अंदर स्टिक हो सके, उसके ऊपर आ सके। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर पैक्ड इनटू अ इन्फ्लोरेंस। यू कैन सी हियर कि काफी सारे जो फ्लावर है एक इन्फ्लोरेंस के अंदर काफी सारे फ्लावर होते हैं। यू कैन सी हियर इन केस ऑफ दिस कॉर्न, देखिए मेल पोर्शन है फीमेल पोर्शन है। तो ये जो टेसल है वहां से पोलन ग्रेन यू नो विंड करंट के थ्रू ये गिरेगी, फिर ये जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन जैसे इसके ऊपर आ जाएगी। तो दिस इज फीमेल पोर्शन। तो ऐसे विंड के थ्रू यहाँ पर पोलिनेशन हो रहा है इसलिए इसको विंड पोलिनेशन कहते हैं। सो खास करके ग्रासेस के अंदर विंड पोलिनेशन इट इज वेरी कॉमन। नाउ वाटर पोलिनेशन, अनदर टर्म फॉर वाटर पोलिनेशन पोलिनेशन इट इज हाइड्रोफिली। तो खास करके जो मोनोकोटिलिडन्स है वो इसका यूज़ करती है हाइड्रोफिली। बाकी 30 जनराई है जो वाटर पॉलिनेशन जिसमें देखने को मिलता है, इधर बहुत रेयर है वाटर पॉलिनेशन। सो हमने आगे देख लिया जैसे ये एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, देवर यूजिंग दिस वाटर टू ट्रांसपोर्ट देयर गैमिट्स, राइट। सो ये एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये पानी का यूज कर रहे थे, वाटर का यूज कर रहे थे फॉर दी ट्रांसफर ऑफ गैमिट। और क्योंकि इसको वाटर चाहिए गैमिट ट्रांसफर के लिए, इट इज कंपल्सरी फॉर देम। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट इट इज वेरी लिमिटेड। अभी वाटर पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट में किस में देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला और सेवरल मरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। देखिए यहाँ पर वेलिसनेरिया के अंदर क्या होता है कि जैसे फीमेल फ्लावर है तो ये फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा है जिसको हमने ऐसे मैग्निफाइड किया है यहाँ पर, और ये मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर में से जो पोलन ग्रेन आएगी और ये पूरा मेल फ्लावर जैसे यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है, और आप देख सकते हो कि ये पोलन ग्रेन जैसे मेल फ्लावर पूरा यहाँ पर अट्रैक्ट होगा और ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर आएगी। और देर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शन ऑल्सो के जिसके थ्रू ये जो स्टिग्मा है इट विल अट्रैक्ट दिस मेल फ्लावर, राइट। तो क्योंकि ये फिर अट्रैक्ट तो होगा लेकिन यहाँ पर वाटर करंट की भी जरूरत रहती है और इसीलिए इसको हम वाटर पॉलिनेशन कहते हैं। और यू नो द करंट कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट
सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा, तो जिससे पॉलिनेशन हो सकता है। तो जैसे सी ग्रासेस के अंदर भी देखो, ये फ्लावर है यहाँ कहीं पर मेल फ्लावर पड़ा होगा, तो वहाँ से वो जैसे पोलन ग्रेन आएगी, वाटर करंट के थ्रू आ रही है, ऐसे वाटर करंट के थ्रू, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोफिली इन केस ऑफ सी ग्रासेस ऑल्सो, राइट। चलिए अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है वाटर पोलिनेशन जिस किसी भी प्लांट के अंदर देखने को मिलता है उसमें, तो पोलन ग्रेन कैसी होनी चाहिए, यू नो इन मेनी सच स्पीसीज इट वुड बी अ लॉन्ग रिबोंड लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और वो ड्राई होने से भी बचनी चाहिए, और इसके लिए वहां पर क्या मैकेनिज्म है, इट हैज अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, तो इस कवरिंग के थ्रू क्या होगा कि वो ड्राई नहीं हो सकती। तो बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, एक कलरफुल भी नहीं होते फ्लावर जो विंड और वाटर पॉलिनेशन जिसमें हो रहा है, और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, क्यों, इसका जवाब क्या हो सकता है, व्हाई वुड बी दी रीजन फॉर दिस, इसका क्या रीजन हो सकता है, तो दे डोंट नीड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। अभी देखो पानी और विंड के थ्रू हो रहा है तो इसमें किसी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं है, तो उसको अट्रैक्ट करने का तो सवाल ही नहीं बचता, जैसे हनी भी है और काफी सारे इंसेक्ट हो गए, बटरफ्लाइज है, तो अट्रैक्ट करने का सवाल ही नहीं रहता, इसीलिए वो कलरफुल होना भी जरूरी नहीं है, और नेक्टर भी खामखा क्यों प्रोड्यूस करे, क्योंकि कोई आने वाला तो है नहीं वैसे भी। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, सभी प्लांट जो है एक्वाटिक प्लांट है वो, फॉर एग्जांपल वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, वो वाटर पोलिनेशन उसमें देखने को नहीं मिलता। जैसे वाटर हाइसिंथ है तो यहाँ पर आप देखो कि फ्लावर जो है वो सरफेस वाटर सरफेस से उससे काफी सारा ऊपर है, और इसी वजह से यहाँ पर वाटर करंट का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वाटर सरफेस से ऊपर फ्लावर है तो वहां पर वाटर थ्रू पोलिनेशन नहीं होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय विच प्रोसेस दिस वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर गेट पोलिनेटेड, तो नाम के ऊपर से अगर आपने रट्टा मारा होगा तो नाम के ऊपर से आपको डायरेक्टली लगेगा कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली है, तो वाटर पोलिनेशन ही होगा उसमें, नहीं इसमें वाटर पोलिनेशन नहीं होगा, इसमें विंड पोलिनेशन होगा, क्यों, क्योंकि फ्लावर जो है इट इज अबाउ द सर्फेस लेवल, इसलिए वहां पर विंड पोलिनेशन होगा। तो बायोटिक एजेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे एंटेमोफिलस, देर आर सम टर्म्स, एंटेमोफिलस किसको कहते हैं, जो इंसेक्ट इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, फिर ऑर्निथोफिलस किसको कहते हैं, जहां पर बर्ड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, फिर किरोप्टेरोफिलस किसको कहते हैं, जहां पर बेट के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, फिर मेलेकोफिलस जहां पर स्लग एंड स्नेल थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, फिर मिर्मेकोफिली जहां पर एंड के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है, वैसे एक ही है लेकिन यहाँ पर टर्म थोड़ी अलग दी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, जैसे पहले हम डिस्कस कर लेते कि कौन कौन इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल बीज है, बटरफ्लाइज है, फिर दूसरी फ्लाइज है, फिर बीटल्स, वैस्प, एंट, मॉथ, तो ये जो पोलिनेशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज एंटेमोफिलस, फिर बर्ड के थ्रू भी होगा तो उसको हम ऑर्निथोफिलस कहते हैं, स्पेशली हमिंग बर्ड है, सन बर्ड है, फिर बेट के थ्रू भी होता है तो उसको हम किरोप्टेरोफिलस कहते हैं। तो अमंग दिस एनिमल जो बीज है, हनी बीज है खास करके, इट इज डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, वैसे आप इस बात को, माय नेम इज खान करके एक मूवी है, उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है, वहां से भी आप अगर आपने सुना हो तो उसमें शाहरुख खान कहता है फराह खान से कि अगर जो सारी हनी बी है वो अगर मर जाएगी तो ये जो पूरी दुनिया है फ्यू डिकेड्स के अंदर खत्म हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब हनी बीज नहीं रहेगी तो पॉलिनेशन ज्यादातर तो उससे ही होता है, तो फिर क्या होगा अगर हनी बी नहीं रहेगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और उससे यू नो हम जो फल फ्रूट जो कुछ भी हम वेजिटेबल्स खा रहे हो हमें नहीं मिलेगी। तो लार्ज एनिमल भी है वो भी पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लैमूर है, यू नो रोडेंट है, देखो आप यहाँ पर दिस इज लैमूर, दिस इज फ्लाइंग लेजर्ड, तो ऐसे लार्ज एनिमल भी है, जैसे अभी हमने बेट के बारे में डिस्कस किया, तो यू नो दे आर इन्वॉल्विंग इन पॉलिनेशन। देखिए यहाँ पर एक बेट है, तो ये दिस इज निपेंथस फ्लावर, तो ये निपेंथस फ्लावर के अंदर ये बेट रहता है, तो बेट को क्या मिलता है यहाँ पर, उसको एकोमोडेशन मिलता है, और इन रिटर्न फ्लावर क्या इस उसको क्या मिलेगा, तो इट विल गेट पॉलिनेट, राइट। सो यू कैन सी हियर नाउ जो भी फ्लावर ए बायोटिक एजेंट के थ्रू पोलिनेट हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, तो
ऑफ्टन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेसिफिकली एडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज। अभी देखिए हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का भी देखेंगे, जिसमें युक्का और मौत का एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर एक एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है उसके बीच में, कि जिससे वो जो है पॉलिनेशन भी होगा और इन रिटर्न उस एनिमल को भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, लार्ज कलरफुल फिर फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ इनफ टू अट्रैक्ट सम एनिमल्स। वेन दी फ्लावर आर स्मॉल, देखिए जब फ्लावर ऐसे स्मॉल होते हैं, एक एक फ्लावर आप देख लो तो बहुत स्मॉल है, तो ये पूरा क्लस्टर बनाएंगे ताकि वो जो है कॉन्स्पिक्यूस दिख सके, माने वो दूर से ऐसा दिख सके, इसलिए वो ऐसा क्लस्टर बनाएंगे। सो एनिमल आर अट्रैक्ट टू फ्लावर बाय कलर एंड फ्रेग्रेंस, तो उसकी स्मेल और उसका कलर से खास करके एनिमल विल अट्रैक्ट। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लीज एंड बीटल्स, ए जो भी फ्लावर इन दोनों से पॉलिनेट होता है वो एक खास प्रकार की फॉल ऑर्डर को सिक्रेट करता है, जिससे दे कैन अट्रैक्ट सच एनिमल्स। देखिए हाउ मच ब्यूटिफुल दिस फ्लावर, यू कैन सी हियर हाउ मच कलरफुल दिस फ्लावर, के जिससे ये जो एनिमल्स है स्पेशली दिस हनी बी दिस बटरफ्लाई, सो दे कैन अट्रैक्ट राइट। अभी फ्लावर को जो है वो कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड करना होगा, तो रिवॉर्ड में क्या यूजुअल होता है, नेक्टर होता है, फिर पोलन ग्रेन होती है, तो दिस आर दी यूजुअल फ्लावर रिवॉर्ड। ये देखिए हमिंग बर्ड है, तो ये हमिंग बर्ड यहाँ पर नेक्टर को सक कर रहा है, तो बदले में इसको क्या मिलेगा हमिंग बर्ड को, तो इट विल गेट नेक्टर राइट। एंड फ्लावर को क्या मिलेगा, तो ये इन दौरान ये जो फ्लावर की जो पोलन ग्रेन है वो इस हमिंग बर्ड की बॉडी के अंदर ऐसे चिपक जाएगी। फिर क्या होगा कि जब ये हमिंग बर्ड किसी दूसरे फ्लावर में जाएगा, तो वहाँ पर उस फ्लावर में जो स्टिग्मा उसकी होगी, उसके ऊपर ये जो पोलन ग्रेन है इसकी बॉडी के ऊपर वो चिपकी हुई है, वो फिर वहाँ पर चिपक जाएगी ताकि अच्छे से वहाँ पर पॉलिनेशन हो सके। देखिए यहाँ पर हम दूसरा यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, इन केस ऑफ दिस एमॉर्फोफेलस फ्लावर, तो यहाँ पर आप देखो कि इट इज अबाउट 6 feet टॉल, तो इसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी सारे इंसेक्ट जो है इसके अंदर रहते हैं, उसको एकोमोडेशन मिल जाएगा, और अगेन इसकी जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर चिपक जाएगी, जब एक में से वो दूसरे में जाएगा तो वहाँ पर वो पोलिनेशन हो सकता है। अब दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, आगे भी मैंने कहा कि अच्छा एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है, फॉर एग्जांपल दिस मॉथ एंड युक्का फ्लावर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मॉथ एंड युक्का फ्लावर है, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। क्या होगा इसमें, ये जो मॉथ है वो दे विल डिपॉजिट एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पोलिनेटेड बाय द मॉथ। तो मौत को अगर जिंदा रहना है तो उसका जो एग है उसको यहाँ पर ही उसको ले करना होगा इसकी लॉक्यूल के अंदर ही, और बाद में क्या होगा, द लार्वी ऑफ द मौत कम आउट ऑफ द एग इज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग राइट। तो एक दूसरे भी आप इमेजेस यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज युका फ्लावर, और युका फ्लावर के अंदर ये जो मौत है वो यहाँ पर दे आर लिविंग इन साइड दिस फ्लावर और लेइंग एग इन साइड दिस फ्लावर। तो आप जो है अपनी सराउंडिंग एरिया के अंदर, सराउंडिंग विस्तार के अंदर आप ऐसी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ककुम्बर, मैंगो, पीपल, जो कोई भी आपको फ्लावर दिखे वहाँ पर, जैसे आप उस एरिया को ऑब्जर्व करो, कौन कौन से विजिटर वहाँ पर आ रहे हैं, कौन कौन से पॉलिनेटर आ रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है, तो आप काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। सो यू मे और मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पॉलिनेटर्स, लेकिन बट यू विल श्योरली एन्जॉय योर एफर्ट्स। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेक्चर जो है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो यू कैन चेक प्लेलिस्ट, और काइंडली जो अर्लियर लेक्चर है वो खास करके यू नीड टू चेक। चलिए, थैंक यू।